हेलो बच्चों, आज अपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कला और वाणिज्य, है ना। मैं दीप्ति शर्मा, आज आपको लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हमने लागत पढ़ी, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, है ना, उनके वक्र पढ़े। अब लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते, लागत चक्रों की आकृति यू आकार के होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है फर्म से प्राप्त होने वाली आंतरिक बचती। बचती तो आप समझते हो बेटा, बचते क्या होती है, जिन जितना अपन को जो अपन उद्योग शुरू करते हैं उसके अंदर अपन को जो लाभ होते हैं, है ना, उससे जो आय प्राप्त होती है ना, उससे बचते जो अपन बचा पाते हैं। अधिक बच्चों निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है, तो पहला है तकनीकी बचती। तकनीकी मतलब तो तकनीकी विकास होते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज और उद्योगों के लिए जो अपन अत्याधुनिक बड़ी बड़े आकार की मशीनें और तकनीकी जो भी अपने होते हैं अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए अपन जो प्रयोग करते हैं, तकनीकी बचती। उत्पादन की तकनीकी में सुधार करने पर बचते प्राप्त होती हैं। तब जो उत्पादन से तकनीकी में सुधार करते हैं तो क्या प्राप्त होती हैं, बचते, उन्हें तकनीकी बचते कहते हैं। आधुनिक मशीनें, बड़े आकार की मशीनें इत्यादि तकनीकी बचतों के अंतर्गत आती हैं। जो बड़े बड़े अपन उद्योग शुरू करते हैं या व्यवसायिक में जो अपन मशीनों का उपयोग करते हैं बड़े आकार, तो वो क्या होती हैं, तकनीकी बचती। ऐसी दशा में उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, कई इकाइयां कम लागत होती हैं, मतलब जो प्रति इकाई होती है उसकी लागत कैसी होती है, कम होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि तकनीकी लागत स्थिर लागत का अधिक इकाई का विस्तार होना। तो पहला हो गया बेटा तकनीकी बचते, दूसरा हो गया श्रम संबंधी बचते। श्रम, अपन कोई भी कार्य उद्योग शुरू करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले अपन को श्रम, श्रमिक की आवश्यकता होती है। श्रम कैसे, मतलब तो श्रम संबंधी बचते हैं, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का परिणाम होती है। जब बड़े उत्पादन बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण उतना ही अधिक होता है, परिणाम स्वरूप श्रमिक की कुशलता में वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रति उत्पादन लागत भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है विपणन की बचते। कोई भी फर्म जब अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है और विक्रय लागत अनुपात में नहीं बढ़ती, इसके प्रति इकाई लागत है कम आ सकती है। मतलब जो उसकी अनुपात में नहीं बढ़ती, कोई विक्रय लागत होती है बेटा तो वो अनुपात में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे आप कोई भी चीज़ का उत्पादन करोगे फिर विपणन करोगे तो उसकी जो मात्रा है वो कैसी होगी, विक्रय लागत कैसी होगी, नहीं बढ़ती, कम ही रहती, जिससे प्रति इकाई लागत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अपनी वस्तु का उत्पादन दोगुना कर देती है, उसके विक्रय लागतों में जैसे जैसे अपन विज्ञापन देंगे, प्रचार करेंगे, तो उसकी जो विक्रय है कैसी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दुगुनी, दोगुना नहीं करना पड़ेगा, परिणाम स्वरूप उसकी प्रति इकाई लागत में क्या होगी, कमी आएगी। फिर है प्रबंधकीय बचते। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में प्रबंध पर होने वाले व्यय में कमी आती है, प्रबंधकीय बचते कहलाती है। जो उत्पादन की मात्रा होती है उसको बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्यय में क्या होती है, कमी, उसे प्रबंधकीय बचते कहते हैं। एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसकी कुशलता के साथ कर सकता है, जितना कि थोड़ा उत्पादन अर्थात प्रबंधन के व्यय की स्थिति, मतलब स्थिति में रहकर वह कर सकता है। अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से फर्म को प्रति इकाई उत्पादन लागत घटेगी, परंतु परिणाम स्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत घटने लगती है, जिससे लागत वक्र कैसे हो जाते हैं, यू आकृति के होते हैं। उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि लागत वक्र की आकृति यू आकार की क्यों होती है। साधनों की अधिकतम व विशिष्ट कारणों के कारण प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने पर लागत कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, अगर अपन ज़्यादा उत्पादन करें। इसी प्रकार बेटा
उत्पादन बढ़ने पर लागत कैसी होगी? कम। तो साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर एक सीमा के बाद उत्पादन का स्तर कैसा हो जाता है? सर्वोत्तम उत्पादन बिंदु पर पहुंच जाता है। अगर साधनों की मात्रा में क्या होगा बेटा? वृद्धि होगी। तो एक समय के बाद, एक सीमा के बाद उत्पादन का स्तर कैसा हो जाएगा? सर्वोत्तम हो जाएगा। और उत्पादन बिंदु कैसा? उत्पादन बिंदु पर पहुंच जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। इस बिंदु पर साधनों का सर्वोत्तम सहयोग स्थापित हो जाता है। यदि उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए, मतलब कोई भी उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके साधनों में मात्रा में वृद्धि की जाए, तो साधनों को सर्वोत्तम सहयोग मिलेगा और असंतुलित हो जाए। इस कारण अविभाज्य साधनों पर आवश्यक दबाव पड़ता है, परिणाम लागतों में वृद्धि होने लगती है। स्पष्ट हो जाता है कि अल्पकालीन लागत वक्र प्रारंभ में गिरता है, फिर एक निश्चित बिंदु पर स्थिर होकर आगे लागत वक्रों की आकृति यू आकार की हो जाती है। तो आपने देखा होगा यू, तो पहले लागत कम होती है, फिर उसके बाद लागत क्या होती है? ऊपर मतलब बढ़ती जाती है। कीमत विश्लेषण में आगम की अवधारणा, तो कीमत विश्लेषण जो है बेटा, उसमें आगम की अवधारणा महत्व और इसके रूप को स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला है संतुलन मात्रा का निर्धारण। बाजार पर चाहे पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार कोई भी रूप में हो, तो संतुलन की मात्रा का निर्धारण होता है। मतलब संतुलन की मात्रा का निर्धारण कैसे होगा? चाहे पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब पूर्ण रूप से प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार हो बाजार में किसी भी चीज़ का, एकाधिकार मतलब स्वयं का और प्रतियोगिता जहाँ अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त राशि सीमांत आय उचित इकाई की लागत के बराबर होता है। वे है कीमत का निर्धारण। एकाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म स्वयं कीमत का निर्धारण करती है। मतलब एकाधिकार जो होता है उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म जो होती है वह स्वयं कीमत का क्या करती है? निर्धारण करती है। कीमत का यह निर्धारण संतुलन मात्रा में अनुरूप होता है। मतलब जो कीमत का निर्धारण होता है उसको संतुलित मात्रा में अनुरूप होता है। अतः मात्रा जिस कीमत पर या वस्तु बेची जा सकती है वही होगा। मतलब जितना उत्पादन लगा उसी के आधार पर, उसी के अनुरूप वस्तु की कीमत होगी और उसी मतलब उसे बाजार में बेचा जाएगा। फिर है लाभ हानि का अनुमान। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं सबसे पहले लाभ हानि का ही अनुमान लगाते हैं। औसत आय से अधिक होती है तो फर्म की असामान्य लाभ होता है। तब जब औसत आय और आगम मतलब एक सी होती है तो फर्म में असामान्य लाभ होता है। औसत आय और औसत लागत बराबर होने पर सामान्य लाभ तथा औसत आय और औसत लागत कम होने पर हानि होती है। जैसे बेटा औसत आय और औसत लागत जब बराबर होती है तो क्या होता है? सामान्य लाभ होता है। और औसत आय और औसत लागत दोनों कम हो तो क्या होगा बेटा? हानि होगी। कीमत परिवर्तन, कीमत परिवर्तन पर प्रभाव कुल आय में वृद्धि या कमी, मतलब किसी कुल आय जो होती है उसमें वृद्धि या कमी तथा उसकी मात्रा के आधार पर देखा जा सकता है। कीमत परिवर्तन का फर्म की लाभदायकता पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब जब कोई भी कीमत वस्तु करने कीमत निर्धारण होता है तो वो किसी की भी आय को देखकर निर्धारित होता है। तो आय में वृद्धि या कमी उसकी मात्रा के आधार को पहले देखा जाता है कि कीमत परिवर्तन या फर्म की लाभदायकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सबसे पहले कीमत परिवर्तन में ये देखें। फिर है पैमाने के प्रतिफल। आपने बेटा इसके पहले प्रतिफल पढ़े थे, तीन प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने प्रतिफल की तीन अवस्थाओं को अलग अलग विवेचना की, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं निकलता, गलत होगा कि उत्पादन फलन पैमाने पे प्रतिफल को अलग अलग अवस्थाओं में।
फलन के पैमाने के प्रतिफल की हम अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। हमने पहले पढ़ा था अलग अलग अवस्था। वास्तव में उत्पादन फलन पैमाने की प्रतिफल की उपयुक्त तीन अवस्थाओं को दर्शाता है। तो प्रारंभ में जब कोई फर्म अपने उत्पादन पैमाने का विस्तार करती है, तब कोई भी जब अपने उत्पादन लगाते हैं तो उसको अपने पैमाने पर उसको क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, मतलब फैलाते हैं उसको ना। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था होती है। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, इसके पश्चात पैमाने के प्रतिफल और अंत में पैमाने के प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है। तो तीनों अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है अपने रेखा चित्र के द्वारा। रेखा चित्र की सहायता से इसको अपन स्पष्ट करेंगे कि पैमाने के प्रतिफल की अवस्था क्या होती है। तो एक चित्र दिया है बेटा, इसमें पैमाने की तीनों अवस्थाओं को मतलब बताया है, घटते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, ये सारे जो प्रतिफल तीनों अवस्थाओं को बताया गया है। तो प्रस्तुत चित्र में आप देखोगे बेटा ओ आर एक रेखा है ना, ओ एक्स वाई, ओ एक्स और ओ वाई अपन एक बनाएंगे, रेखा खींचेंगे उस पर, एक ओ वाई रेखा खींचेंगे तो, और उसके बीच आप ओ आर एक आपको रेखा है जो आप देख रहे होंगे बेटा, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 ये आपको क्या दी है, पूंजी दी हुई है, नीचे आ जाओ श्रम है ना। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, तो P1, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 ये सब जो आपको दिए हुए हैं, IP7 तक, ये पैमाने कहाँ तक है, IP7 मतलब तृतीय अवस्था, और तृतीय अवस्था क्या होगी, पैमाने के घटते प्रतिफल होंगे वो 600 और 700। तो समूह उत्पाद वक्र OA, ओ और ए एक समूह उत्पाद है ना, ए समूह उत्पाद है, और उसके बाद ए और बी एक उत्पाद है, बी और सी, सी और डी, और डी और ई, ऐसे ई और एफ, और तो आप देखिएगा एफ और जी की दूरी जरा थोड़ा सा बढ़ गई है ना, ये पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। प्रारंभ में टुकड़ों की दूरी घटती जाती है, तो आप देखिएगा घटती घटती दिख रही है, फिर ओ ए, ए बी और बी सी ये सब क्या है, और सी डी, तो बढ़ते हुए इस बात को बताते हैं कि पैमाने रेखा विस्तार तक पैमाने को बढ़ाते हैं और प्रतिफल प्रतिफल मिल रहे हैं। इसके बाद ओ ई, और ई आपको इस बात का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, उसका सी डी पी ई, किंतु इसके पश्चात घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि सी डी और ई एफ और एफ जी क्या है, घटते प्रतिफल हैं। तो आपको चित्र भी बना है बेटा, उसको ध्यान से देखोगे, आने के घटते प्रतिफल के बारे में आपको लिखना है क्या है, क्या मतलब पैमाने के प्रतिफल क्या हैं, और लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखोगे और याद करोगे।